हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई एम द यहडिया एंड आई एम फ्रॉम टू गुजरात, गिर सोमनाथ। गृहिणी सेफ चैलेंज में आज मैं बनाने वाली हूँ हेल्थी घेवर चाट। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले हम घेवर बनाएंगे। इसके लिए हम बाउल में 2 टीस्पून जितना घी डालेंगे। फिर इसमें हम 2 आइस क्यूब डालेंगे और फिर हम फिंगर की हेल्प से हम इसे रब करेंगे। वो वाइट कलर का हो जाएगा और फ्लफी स्ट्रक्चर हो जाएगा तब तक। बाद में हम आइस क्यूब निकाल देंगे। फिर इसमें हम आटा डालेंगे। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं और व्हीट फ्लोर भी ले सकते हैं। मैंने 1/2 कप लिया है। बाद में इस पानी डाल के, आवश्यकता अनुसार पानी डाल के इस तरह का बैटर रेडी करेंगे। बाद में साइड में तेल को गर्म करने के लिए भी रख सक देंगे। आप चाहे तो फ्राई करने के लिए ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं। फिर हम इस तरह बैटर डालते जाएंगे थोड़ी हाइट से और थोड़ा थोड़ा बैटर, और हमारा घेवर प्रिपेयर करेंगे। इस तरह हम बैटर डालते जाएंगे। करीबन हमें 10-12 टाइम्स तक इस तरह हमें बैटर डालना है और ये हमारे घेवर रेडी है। आप देख सकते हैं हमारे घेवर रेडी है। इस बाद में हम डेट की चटनी बनाएंगे। इसके लिए चॉप हुए डेट हुए लेंगे, मैंगो ड्राई चिप्स लेंगे, फिर ये जेगरी लेंगे और ये रेड चटनी लेंगे, लहसुन की चटनी है। फिर सारे एलिमेंट हम बाउल में डाल देंगे। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और जीरा पाउडर डालेंगे। और बाद में जीरा पाउडर डाल के फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। हम 1/2 कप जितना पानी डाल के इसको अच्छे से उबाल लेंगे। बाद में हम इसे ब्लेंडर से ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे रेड चटनी। इसके लिए मैंने लिया है लहसुन की रेड चटनी। फिर इसमें मैं लेमन जूस डालूंगी। फिर इसमें मैं पानी डालूंगी, 1/4 कप से थोड़ा कम पानी डालूंगी। बाद में इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और फिर 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। इसके लिए मैंने 2 कप जितना चॉप किया हुआ धनिया लिया है। बाद में इसमें ग्रीन चिल्ली और अदरक जाएगा, और इसमें जाएगा लहसुन जाएगा। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और फिर इसमें नींबू का पानी डालेंगे और फिर इसमें जाएगा धनिया पाउडर जाएगा और चाट मसाला जाएगा। और इसमें हम थोड़ा पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार में। और फिर हम इसे, जो हमारे कटहल है ओवरनाइट मैंने सोक किए हुए हैं, इसको मैं थोड़ी रोस्ट कर लूँगी घी में। इसको करीबन हम 3-4 मिनट रोस्ट करेंगे। बाद में इसमें हम उबले हुए चॉप किए हुए पोटैटो डालेंगे, चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे और चाट मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तुम्हारे सारे एलिमेंट रेडी है, सारे एलिमेंट रेडी है। मैंने इसे कर्ड और सेव भी रखा है गार्निशिंग के लिए। तो अब हम इसे प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा रेडी है हेल्थी घेवर चाट। थैंक यू। Hope you like my recipe. Thanks to Gruhini Chef Challenge.